अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उन्हें आसानी वॉच कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम मजीद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि हमारे रिटन टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो इन्हें लाजमी याद करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो हमारा पहले एमसीक्यूज है, हेड ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 विल बी, 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क का सरबराह कौन होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन वाज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना डाई, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल कब हुआ, 10 सितंबर 1947, 11 सितंबर 1947, 11 सितंबर 1948 या फिर 12 सितंबर 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11 सितंबर 1948। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, सिकंदर मिर्ज़ा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मलिक गुलाम मोहम्मद या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज़ नाउ इज़ द शायरे के मशरिक, शायरे मशरिक किसे कहा जाता है, अल बिरूनी, सैयद अमीर अली, अल्लामा इकबाल या फिर सर सैयद अहमद खान। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर द मदर ऑफ अल्लामा इकबाल डाई, अल्लामा इकबाल की वालदा का इंतकाल कब हुआ, 1930, 1914, 1910 या फिर 1980। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1914। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के बानी कौन है, लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, कायदे आज़म या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कायदे आज़म। नेक्स्ट टाइम जी पूछते हैं, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, स्वात पाकिस्तान का हिस्सा कब बना, अप्रैल 1969, मई 1969, जून 1970 या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 1969। नेक्स्ट टाइम जी पूछते हैं, हमारे पास पाकिस्तान हैज़ डैश फेडरेटिंग यूनिट, पाकिस्तान के कितने यूनिट्स हैं, 4, 5, 6 या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट टाइम जो है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिकेम फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा वज़ीर आज़म कब बनी, अक्टूबर 1988, नवंबर 1988, दिसंबर 1988 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1988। नेक्स्ट टाइम जी क्यूज है, द सिटी इन विच अलामा इकबाल वाज बोर्न, अलामा इकबाल कौन से शहर में पैदा हुए, सियालकोट, लाहौर, कराची या फिर फैसलाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सियालकोट। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जी क्यूज है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसका असली नाम क्या है, सर क्रिक लाइन, डिवाइड लाइन, केस फायर लाइन या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केस फायर लाइन, ठीक है। उसके बाद है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की है, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान, कायदे आज़म या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। नेक्स्ट टाइम जी पूछते हैं, व्हेन सिंध तास एग्रीमेंट साइन, सिंध तास जो मुआहदा है इस पर साइन कब हुए, मार्च 1960, अगस्त 1960, सितंबर 1960 या फिर दिसंबर 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 1960। नेक्स्ट टाइम जी पूछते हैं, व्हेन वाज बांग्लादेश सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलीहदा हुआ, 16 दिसंबर 1971, 20 दिसंबर 1971, 22 दिसंबर 1971 या फिर 26 दिसंबर 1971। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, 16 दिसंबर 1971। नेक्स्ट टाइम जी पूछते हैं, विच सिटी हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997, 1997 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का इजलास कौन से शहर में हुआ, लाहौर, जद्दा, अबू धाबी या फिर इस्लामाबाद। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि मैंने आपके लिए बनाए, इन्हें लाजमी याद करें, आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मजीद MCQs आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।